डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की सनसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट 7 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की क्लास 6 की 18 नवंबर की असेसमेंट वर्कशीट रहेगी। तो इसमें टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन है। पहले आप आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे, फिर अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है? तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है और आपको भी पता लग जाएगा। तो मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, आपको करेक्ट जो प्रोनाउन भरनी है, पता ना प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो भी वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इस तरीके से। तो अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही प्रोनाउन भरनी है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? टोटल 10 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर लेंगे। तो मैं समझा रहा हूँ। पहला, हिज नेम इज़ सुमंत, उसका नाम जो है सुमंत है। तो अब आपको पहचानना है सुमंत लड़का है या लड़की है, ठीक है? तो बॉय है, तो डैश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और यहाँ से पता लग गया कि वह एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब आप बताइए, यहाँ शी लगाएंगे, ही लगाएंगे, इट लगाएंगे, माई लगाएंगे, ठीक है? तो आपको फटाफट पता लगाना है आप क्या लगाएंगे। देखो, सुमंत जो है ना वो लड़का है, है ना? तो लड़के के लिए ही लगाया जाता है या शी लगाया जाता है? हाँ, वेरी गुड, ही लगाया जाता है। शाबाश बच्चों, शाबाश, मज़ा आ गया, ठीक है? सबका आंसर ठीक था ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट बोल रहा है, हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। देखो, आवाज़ थोड़ी सी इसलिए ऐसी आ रही होगी क्योंकि गला ख़राब हो रहा है, ठीक है? जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। ये कह रहा है हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, उसकी माताजी के पास बहुत सारी कहानियों की किताब है, ठीक है? उसकी मदर के पास, ठीक है? हर लिखा है ना, हर हर किसके लिए लगाते हैं? लड़कियों के लिए, ठीक है? और अगर हिज लिखा होता तो लड़के की माँ है वो, और हिज, ठीक है? अगर यहाँ पे हिज लिखा होता तो लड़के की माँ है, और अगर हर लिखा है तो लड़की की माँ है, ठीक है? तो अब आपको पहचानना है यहाँ पर आप क्या भरेंगे। ये है हर मदर हैज मैनी स्टोरी बुक्स, उसकी माता जी के पास बहुत सारी कहानियों की किताब है। डैश आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है ना, वो किसकी बात हो रही है? स्टोरी बुक्स की बात हो रही है, और जो स्टोरी बुक्स है ना वो बहुत सारी है, ठीक है? तो आपको बताना है यहाँ क्या आएंगे, दे, इट, वी या देयर, ठीक है? उसकी माँ के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, तो आपको बताना है स्टोरी बुक्स बहुत सारी हैं, तो प्लूरल आपको वर्ब बतानी है, तो डैश आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्या लगाएंगे, दे, इट, वी या देयर? जल्दी बताइए क्या लगाएंगे। देखिए, जो दे है ना, इसका मतलब होता है वे, ठीक है? बहुवचन के साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं। इट मतलब होता है वह, ये जानवर या वस्तु के साथ लगाते हैं, लेकिन वो एक होनी चाहिए, ठीक है? और जो दे है ना, वो जो बहुत सारी चीज़ होती है ना तब लगाते हैं। वी तब लगाते हैं जब हम की बात आए, ठीक है? देयर मतलब उनका होता है। अब आप बताइए कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बताइए, ठीक है? वेरी गुड, जिन्होंने दे कहा है ना, शाबाश बच्चों, शाबाश, ठीक है? दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। हम कौन है? भारतीय। डैश आर ऑस्ट्रेलियंस, और वे ऑस्ट्रेलियंस हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ इंडियंस हैं और यहाँ प्लूरल है ना वी, तो बहुत सारे जनों की बात हो रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे जनों की बात हो रही है, तो आप बताइए, शी मतलब होता है वह, ये एक जने के लिए लगाते हैं अगर वो लड़की होती है, ही मतलब होता है वह, ये एक जने के लिए लगाते हैं जब वो लड़का होता है, इट लगाते हैं जब ये जानवर या वस्तु की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? जानवर या वस्तु की बात की जाती है, ठीक है? तो आपको यहाँ बताना है, और दे लगाते हैं जब बहुत सारे जने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो दे मतलब वे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब आपको फोर्थ बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये कह रहा है ऑल ऑफ डैश नो हाउ टू यूज़ ए कंप्यूटर। ये कह रहा है ऑल ऑफ डैश नो हाउ टू यूज़ ए कंप्यूटर, मतलब आपको बताना है कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है? देखो, अगर शुरू में आता ना हमें, ठीक है, तो हम वी लगाते हैं, लेकिन हमें जब बाद में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर वी का अस हो जाता है, ठीक है? तो अब क्योंकि सभी की बात कर रहे हैं, तो अब बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, अस, देयर, हिज या वी। हिज मतलब होता है उसका, ये लड़के के लिए लगाते हैं। वी मतलब होता है हम, और मैंने कहा हम तब लगाते वी जब वो शुरू में हो, ठीक है? देयर उनका होता है, ठीक है? तो यहाँ ऑल ऑफ देयर तो बनेगा ही नहीं,
ठीक है, वे सब उनके सब जानते ही थोड़ी बन रही है लाइन, तो हम सब जानते ऑल ऑफ अस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, दीज आर डैश बुक्स, गिव देम बैक। अब देखो दीज, जो दीज लगाते हैं ना, ये प्लूरल के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो ये देम लिखा है, जब देम आता है ना तो उनको उनको वापस कर दो, यानी कि आपकी बुक नहीं है, दीज आर डैश बुक्स, ठीक है, ये, ठीक है, ये डैश की किताबें हैं, मतलब मेरी, मेरी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर देम लिखा है, मतलब उन्हें वापस कर दो, तो ये कोई और पर्सन है ना, ठीक है, तो क्या आएगा, दीज आर देयर बुक्स, ये, ठीक है, उनकी बुक है, उनकी बुक है, ये मतलब बन रही है उसकी बुक है। देखो यहाँ बहुत सारी बुक की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ दीज लिखा है प्लूरल के लिए लिखा है, ठीक है, और यहाँ डैम जो है प्लूरल के लिए आता है, तो अब आप बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, बताइए ज़रा जल्दी से सोचिए। बच्चों ने देयर बोला है ना, वो बिल्कुल सही, ठीक है, ये उनकी किताबें हैं, गिव देम बैक, तो देयर का जो डैम होता है, ठीक है, और ऐसे वी का अस होता है, ठीक है, माई जो है, ठीक है, तो मेरे लिए आई जो होता है ना, तो वहाँ माई वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, और हिस का ही होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका समझ में आ गया ना आंसर देयर। अब छठा बताइए, द कैट इज़ हंग्री, बिल्ली जो है ना भूखी है, गिव डैश सम मिल्क, तो उसको कुछ दूध दे दो, तो यहाँ शी आएगा, ही आएगा, इट आएगा या माई आएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जानवर के लिए, पक्षी के लिए, ठीक है, वस्तु के लिए इट का यूज़ करते हैं, वो अगर एक होता है तो वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पहले ही बता दिया होगा, उन सबको वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही आंसर खुद बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट है, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ही हैज़ लॉस्ट डैश हैट, ठीक है, तो वो अपनी जो है हैट खो चुका है। मैंने भी आपको बताया ना, जब ही होता है तो उसमें क्या लगाया जाता है, ये बताया था ना, ही कहाँ लगाते हैं, तो आपको बताना, वो मेरा भाई है, तो अस लगाएंगे, अस तो प्लूरल के लिए लगाते हैं, जब एक से ज़्यादा जने होते हैं तो ये तो लगा नहीं सकते, ये भी प्लूरल के लिए लगाते हैं, जब दे आता है तो यहाँ पर दे तो है ही नहीं, और हिज तब लगाते हैं जब ही होता है, और वी कब लगाते हैं, जब अस होता है, ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा, हिज, शाबाश बच्चों, शाबाश। अब उसके बाद आठवां बताना है, ही हैज़ अ न्यू कार, उसकी नई कार है, डैश इज रेड इन कलर, वह रेड कलर में है, तो देखो ही हैज़ अ न्यू कार, और यहाँ पर रेड कलर जो है ना, वो किसकी बात हो रही है, वो कार की बात हो रही है या उसकी बात हो रही है, लड़के की बात नहीं हो रही ना, ये लड़का लाल कलर का है, ये थोड़ी बन रहा होगा, मतलब कार होगी ना लाल कलर की, तो आपको बताना है कि जो प्रोनाउन है वो कौन सी आएगी कार के लिए, शी, ही, इट या माई। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो इट है, वेरी गुड, सब बच्चों ने बता दिया कि जो वस्तु होती है, जो थिंग होती है, जो पक्षी होता है, वो इट लगाते हैं, तो यहाँ का इट इज़ रेड इन कलर, क्योंकि कार भी एक ही है। समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको, जिसको नहीं आया ना अब आ जाएगा, फिर दोबारा कर लेना अपने आप, ठीक है, जिनको अभी नहीं आया ना, जो देख रहे हैं। नेक्स्ट बोला है, डैश दे स्टिल नॉट बोट अ स्मार्टफोन, ठीक है, उन्होंने क्या अभी तक जो है स्मार्टफोन जो है नहीं ख़रीदा है, ठीक है, तो देखो जब शुरू में आता है तो डैम शुरू में नहीं आ सकता, ठीक है, अवर नहीं आता, माइंड नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर आई लगाएंगे कि आई हैव स्टिल नॉट बॉट ए स्मार्टफोन, मैंने अभी तक स्मार्टफोन नहीं ख़रीदा है, ठीक है, अवर नहीं बनेगा, डैम नहीं बनेगा, क्योंकि ये बाद में होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई यूज़ होगा, ठीक है, सबका ठीक था ना। अब उसके बाद माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है, डू यू नो डैश, मतलब नो मतलब होता है जानना, क्या तुम उसे जानते हो, तो देखो माई ब्रदर, ब्रदर क्या है, लड़का है ना, ब्रदर बॉय है ना, मैस्कुलिन जेंडर है ना, तो बताओ डैम लगाओगे, अवर लगाओगे, हिम लगाओगे या माइन लगाओगे, जल्दी बताओ, डैम प्लूरल के लिए होता है, ये दे का होता है, ठीक है, नहीं लगाएंगे, माइन जो है वो आई के लिए होता है, ठीक है, हिम जो होता है वो ही के लिए होता है, और माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, डू यू नो हिम, वेरी गुड, जिन बच्चों ने हिम बोला है वो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा असेसमेंट हो गया। एक बार मैं लास्ट में सारे आंसर बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट में करता हूँ, तो देखो ही हिज नेम इज़ सुमन, शी इज़, तो सुमंत है, तो ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, इसका है बी, हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, और बुक्स हैं तो बहुत सारी, तो क्या आएगा, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, दे आ जाएगा।
उसके बाद वी आर इंडियंस, ठीक है, और वी है तो दे आर ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं ये ऑस्ट्रेलियंस। उसके बाद ऑल ऑफ अस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है दीज आर, ठीक है, डैश बुक्स, तो दीज आर देयर बुक्स, ठीक है, क्योंकि दैम का देयर, ठीक है। उसके बाद द कैट इज़ हंग्री, गिव इट आ जाएगा, ठीक है, जानवर वस्तु के लिए। ही इज़ माई ब्रदर, ही हैज लॉस्ट, देखो ब्रदर है ना, तो ही इज़ आएगा, ठीक है, हीज़ हैड। उसके बाद जो है यहाँ पे न्यू कार की बात की गई थी, कार में इट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, डैश हैव स्टिल नॉट बॉट ए स्मार्टफोन, तो आई आएगा, और माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, डू यू नो हिम। तो इस तरीके से पूरा समझा दिया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और लाइक ज़रूर करने के साथ साथ अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।